योगी राज में दलितों के साथ सबसे भद्दा मजाक, दलित बच्चे की मौत पर मिला चेक हुआ बाउंस, मुआवजे के नाम पर दलितों के साथ खिलवाड़। इस चेक को देखिए, नाम की जगह लिखा है राजू सिंह और रकम है 3 लाख रुपए। ये चेक यूपी की योगी सरकार के उस भद्दे मजाक का सबसे बड़ा सबूत है जो उसने एक दलित परिवार के साथ किया है। ये चेक इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे यूपी में एक दलित बच्चे की मौत के बाद मुआवजे के नाम पर सरकार और प्रशासन ने उसके परिवार के साथ खिलवाड़ की। 27 सितंबर 2022 की इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में नेता और अधिकारी दलित परिवार को 3 लाख का चेक सौंप रहे हैं, लेकिन जब पीड़ित परिवार ने इस चेक को बैंक में जमा किया तो ये चेक बाउंस हो गया, यानी पीड़ित परिवार को मुआवजे की राशि नहीं मिल पाई। आप पूरा मामला समझिए। औरैया के बैशोली में 4 महीने पहले 10वीं में पढ़ने वाले दलित छात्र निखित की मौत हुई थी। आरोप था कि स्कूल टीचर ने बच्चे को जाति सूचक गालियां देते हुए घूसों और लातों से पीटा, बाल नोच लिए गए, नाक से खून निकला, तब जाकर उसे छोड़ा गया। बच्चे को इंटरनल इंजरी हुई थी। पिता बच्चे को लेकर एक के बाद एक हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता रहा, लेकिन 18 दिन बाद बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद पीड़ित परिवार के साथ आए दलित समाज के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। आरोपी टीचर अश्विनी सिंह को गिरफ्तार करने की मांग उठी। हंगामा हुआ तो प्रशासन अपना लाव लश्कर लेकर पहुंच गया। परिवार को समझाया गया कि आपकी मदद की जाएगी और दोषियों को सजा भी दी जाएगी। सांत्वना के तौर पर अधिकारियों और नेताओं ने पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए का चेक सौंपा था, लेकिन मुआवजे का ये चेक अब बाउंस हो गया है। क्या नाम है आपका? राजू। कहाँ रहते हैं? बैसोली। क्या मामला है? मामला टीचर द्वारा जो हमारा बच्चा मारा गया था, उन्होंने जो 3 लाख की चेक दी थी डीएम साहब ने, वो चेक हमने 3 बार बैंक में लगाई। उन्होंने बैंक में बोले कि ये इस पे रोक लगी हुई है, कि ये पैसा नहीं आएगा आपके खाते में। कि और फिर मैं शिकायत लेके औरैया गई, औरैया से कपूर गया हूँ, तो फिर छल्ला भी गए। और इसके बाद मैंने यहाँ देखो लखनऊ इस पर शिकायत भेजी, इसमें हमारा कुछ नहीं हुआ है। जिला अधिकारी और प्रशासन ने हमारे तहत धोखाधड़ी की है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि चेक बाउंस होने पर औरैया के डीएम ने कहा कि असल में वो चेक तो प्रतीकात्मक था। औरैया के डीएम चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने चेक को लेकर कहा, वो चेक प्रतीकात्मक रूप से दिया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि बच्चे की मौत किडनी खराब होने के कारण हुई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पर लगी हत्या की धाराएं हटा दी और वो चेक कैंसिल कर दिया गया। हालांकि जो चेक दिया गया है वो प्रतीकात्मक नजर नहीं आता, उसमें डीएम के सिग्नेचर भी मौजूद हैं, नाम भी लिखा है, रकम भी भरी हुई है और तारीख भी लिखी हुई है। लेकिन फिर ये चेक प्रतीकात्मक कैसे हो गया? क्या ये नकली चेक था? अगर हाँ तो फिर नकली चेक देना धोखाधड़ी है और इसके लिए आईपीसी की धारा 420 के तहत दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल तो ये भी उठता है कि मुआवजे के नाम पर दलितों के साथ ऐसा भद्दा मजाक क्यों किया गया है? क्या इस पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी? आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।